भरपूर सनम है उसमें, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है गाना। वैसे फिलहाल गाने में ट्विस्ट भी बहुत है, जैसे शादी से पहले हम लोग गाने में मिलते हैं, शादी के बाद फिर समझ लो शादी से पहले बिछड़ जाते हैं, शादी के बाद मिल जाते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यंगस्टर लोग को और अच्छा लगेगा गाना, ये समझ रहे हो, गाने में थोड़ा और अच्छे से काम किया है अक्षय कुमार ने, गाना बहुत अच्छा बनाया है और मुझे तो पसंद है। यंगस्टर को तो 100% अच्छा लगा, एंड्रेस में तो 100% गाना बहुत अच्छा बना है। गाना सुनने के बाद इमोशनल हुआ है कुछ? इमोशनल थोड़ा बहुत तो हुआ है, लेकिन सॉन्ग दिल पे लगा है बस, और कुछ नहीं है। ओके सर, गाना मेरे को एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, बट उसमें जो फीलिंग्स अक्षय कुमार ने जो दिखाई है उसमें, मतलब उसने ऐसा प्यार दिखाया ना, मतलब उसकी जगह मैं भी होता तो मतलब मैं भी इतना पागल हो जाता ना। उसने सामने वगैरह इतना प्यार, मतलब कैसा है, जैसे कि एग्जांपल वो जो मतलब दूसरा प्यार अपोजिट में आ जाता है ना, उसके बाद फिर वापस अपने पास आता है, तो उसमें उतनी फीलिंग्स ऐसी दिखाई दी ना कि अक्षय कुमार को सल्यूट है भाई, अपने मतलब ऐसा दिल है अक्षय कुमार ने, ये ऐसा गाना बना अपने दिल पर छा गया भाई, ऐसा है। और दूसरे जो वो लड़की ने भी एक्टिंग की है ना, जो भी हीरोइन है, आई डोंट नो, मैं तो जानता नहीं उसको, बट उसने जो गाना बनाया ना अपने हिसाब से बहुत एक नंबर बनाया, और उसने फीलिंग ऐसे शो ऑफ की है ना कि कोई भी पागल हो सकता है। सल्यूट है भाई, थैंक यू। मैंने गाना सुना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अकेले में बैठ के बहुत ही अच्छा से फील हुआ। और वो गाना ऐसा है कि अगर अकेले में बैठ के कभी भी सुनेंगे तो अपने पिछले प्यार के जो भी पुराना प्यार है वो याद दिलाएगा। आपसे गुजारिश है, जो भी अगर ये गाना कोई भी सुने, अच्छे से सुने, और भी जो भी सुने गाना उसको बहुत मज़ा आएगा। और कैसा, दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है? एक नंबर लग रही है, दोनों की जो जोड़ी लग रही है एक नंबर लग रही है। और देखते भी, वीडियो भी देखेंगे जब भी, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा और आपको पुराना याद प्यार ज़रूर याद दिलाएगा। और आपको लगता है कि ये दोनों की जोड़ी आगे भी फिल्मों में दिखाई देनी चाहिए? ज़रूर दिखाई देना चाहिए, क्यों नहीं दिखाने चाहिए, ज़रूर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उन दोनों में जोड़ी भी अच्छी जमती है। गाना मैंने देखा सुना भी, तो एक नंबर लगाए। और जब भी देखेगा सुनेगा उनसे भी गुजारिश है कि आप देखें और उनकी लाइफ की वो तारीफ करें, और अच्छा ही गाना है। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग, इट्स वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग एक्चुअली, बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक है, इफ यू विल सी यू विल अंडरस्टैंड द म्यूजिक बिहाइंड दैट, एंड कंपोजिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस। आई ऑल्सो दैट टाइम आई लाइक इट, एंड ऑल द टाइम बिकॉज आई लव हियरिंग टू सॉन्ग एनी टाइम, जब भी मैं फ्री होती हूँ, अकेली होती हूँ, तो मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग। अच्छा, इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी आप लोगों को, नुपुर सनम अक्षय? जोड़ी अभी अभी नया है तो फिर हाँ, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन नया दिखने में आ रहा है तो थोड़ा सा वो होगा, लेकिन बट इट्स लुक नाइस दोनों के साथ। यस, अक्षय फर्स्ट टाइम ऐसे यंग जनरेशन से कर रहे हैं, सिंस ही इज एन ओल्डन जनरेशन पर्सन, बट स्टिल इज द मैच इज वेरी मच डिफरेंट, ऐसा लग रहा नहीं है कि कुछ पुराना है, ऐसे लग रहा है नए एक्टर के साथ ही जोड़ी जम रहा है, मतलब अक्षय जी का। तो आपको लगता है कि फिल्मों में भी नजर आना चाहिए दोनों? हाँ, आना चाहिए। यस एक्चुअली, एंड अक्षय इज अ वर्सेटाइल एक्टर एक्चुअली, ही कैन फिट इन एवरी रोल, सो इट हैज टू बी इन द फिल्म, क्योंकि उनकी बहन के साथ भी उनका है तो हाउसफुल थी फोर में, तो अच्छा लग रहा था, डेफिनेटली उनके साथ भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। अक्षय कुमार का और नुपुर सनम का जो नया गाना है फिलहाल, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वेरी गुड, अच्छा लगा, बहुत फर्स्ट क्लास लगा इसको, क्या सुकून शांति की जगह पे आराम से बैठ के सुनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब और मतलब सुकून दिमाग में ठहराओ, ये थोड़ा फीलिंग अच्छा लगता है। तो आपको पहले प्यार की याद दिलाई इस गाने ने? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा एहसास हुआ था, अब ये पहली बार मैंने जब सुना तो ऐसा लगा था जब मैं कॉलेज के टाइम में, ये थोड़ा सा फीलिंग महसूस हुआ था। और गाना कैसा है, मतलब ऑडियंस को कितना पसंद आएगा ये गाना? ऑडियंस को पसंद आएगा और ये नंबर वन टॉप पे जाएगा गाना। हाँ, क्यों पसंद है? क्यों, इसमें क्या है ना, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है ना, तो ये गाना जो है ना एक ठहराव की तरह, दिमाग को शांत करने वाला गाना है, एकदम आराम से सुकून शांति से सुन सकते, तो ये आज के लिए मतलब थोड़ा ठीक है। दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है, नुपुर सनम अक्षय कुमार? हाँ सही है, साथ में दिखाई दे रहे हैं, अच्छी जोड़ी तो अच्छी लग रही है, इनको आना चाहिए और फिल्मों में भी आना चाहिए। हाँ, और फिल्मों में आना चाहिए, जोड़ी तो ठीक है। थैंक यू।